देखिए, लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या देखा, लास्ट सेशन में हम लोगों ने रिजल्ट सेट के बारे में जाना, हमने स्टेटमेंट के बारे में जाना, हमने यूज़र से इनपुट लेके ड्राइवर ड्राइवर मैनेजर ये सारा चीज़ चला लिया, राइट। यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आप लोगों को एक छोटा सा कमी समझाने वाला हूँ, एक प्रॉब्लम समझाने वाला हूँ, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया चीज़ यूज करने वाले हैं हम, ठीक है। देखिए, ये जो हमारा एग्जीक्यूट अपडेट मेथड है, हमने किसके ऊपर चलाया है, स्टेटमेंट के ऊपर चलाया है, राइट। तो स्टेटमेंट के ऊपर जो हमने एग्जीक्यूट अपडेट मेथड चलाया है, यहाँ पे बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना है, तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम ये कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं, सिंगल कोट डबल कोट, सिंगल कोट डबल कोट, प्लस प्लस करके, ऐसे कॉन्कैटिनेशन करके यूजर से जो इनपुट आ रहा है उसको यहाँ पे दे रहे हैं। तो स्टेटमेंट के थ्रू जब ये हम क्वेरी चलाते हैं, तो इस क्वेरी का एक ड्रॉबैक होता है, और वो ड्रॉबैक ये होता है कि इस क्वेरी में अगर यूज़र से मान लो हम इनपुट ले रहे हैं, और वो इनपुट ये कंसोल से न लेके मान लो किसी फॉर्म के थ्रू ले रहे हैं, एचटीएमएल फॉर्म हो सकता है, जो आगे आप सीखोगे भी, क्वेरी नहीं बदलेगी, क्वेरी वही होगी, बस वो लॉजिक बदल जाएगा, ये पूरा जो कोड लिख रहे हो ना JDBC का, ये सब वही रहेगा। तो मान लो कि आप अगर कहीं यूज़र से कुछ इनपुट ले रहे हो, है ना, और आपने कुछ डेटा डाला कहीं से भी, है ना, कुछ भी डेटा डाला, और जहाँ पे आईडी लेना था, नेम लेना था, डिपार्टमेंट या सैलरी लेना था ना, इस आईडी नेम डिपार्टमेंट सैलरी की जगह पे ये डेटा कौन देगा, यूज़र देगा। तो यूज़र क्या होते हैं ना, कई हैकर होते हैं प्रोग्राम के अंदर, है ना, जो डेटा में मतलब कुछ ना कुछ छेड़खानी कर देते हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो एक ऐसा हैकर था जिसने क्या करा, आईडी के जगह पे डाल दिया कोई क्वेरी, है ना, और वो क्वेरी डाल दिया जैसे मान लो ड्रॉप क्वेरी, ऐसा पॉसिबल है। उसने नेम की जगह पे डिलीट कर दिया, डिपार्टमेंट पे अपडेट मार दिया, अपडेट मतलब अपडेट की क्वेरी लिख दी भाई। जब 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 यूज़र से मांगा गया एंटर एंटर नेम, तो उसने इस नेम की जगह पे लिख दिया अपडेट टेबल टेबल नेम फलाना ढिमाका, जो भी लिखना था उसने लिख दिया ऐसा, और वो यहाँ पे आ गया। अब एक सब क्वेरी कंसेप्ट होता है, क्वेरी के अंदर सब क्वेरी, तो ये इंसर्ट के अंदर से ये एज अ सब क्वेरी बन गई, और एज अ सब क्वेरी बन के वो क्या कर देगा, हमारे डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड अफेक्ट कर देगा, अपडेट कर देगा, ड्रॉप कर देगा, टेबल कोई ड्रॉप कर देगा, कुछ इस तरह से एक्शन वो कर सकता है। तो अगर मान लो डेटाबेस में इस टाइप का कुछ एक्शन हो गया, तो फिर वो तो दिक्कत है ना। तो ये प्रॉब्लम है आपकी स्टेटमेंट के साथ, स्टेटमेंट इंटरफेस के साथ, स्टेटमेंट इंटरफेस के जब क्वेरी अपडेट करते हो तो ये उसके साथ कमी है, प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ये अप्रोच हम नहीं यूज करते हैं। अच्छा, इस प्रॉब्लम को, इस तरीके को एसक्यूएल इंजेक्शन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, एसक्यूएल इंजेक्शन। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जब आप स्टेटमेंट के थ्रू कोई क्वेरी चलाते हो ना, तो वहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन कोई भी बंदा कर सकता है, समझना रहा है। अब इस एसक्यूएल इंजेक्शन को रोका कैसे जाए, तो वो रोकेंगे हम एक इंटरफेस के थ्रू जिसका नाम है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। कौन सा, प्रिपेयर्ड, प्री सॉरी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ये इसके थ्रू हम काम करेंगे। अच्छा, एक और कमी समझो, एक और कमी सुन लो। अच्छा, मान लो आपको एक काम देता हूँ, ज़रूर करिएगा ये काम जो मैं आपको दे रहा हूँ, ज़रूर आपको करना है ये। अभी हमने कितना कितने लोगों का रिकॉर्ड इंसर्ट कराया, अभी हमने कितने लोगों को कितने कितने लोगों का रिकॉर्ड इंसर्ट कराया यहाँ पे, 4 सर, चार। ओके, चार नहीं, रिकॉर्ड तो एक ही है ना, मतलब एक ही बंदे का रिकॉर्ड है ना। हाँ सर, मतलब वो डेटाबेस में 4 अभी है, 4 हाँ, फील्ड है, बंदे का चार फील्ड जाएंगे, रिकॉर्ड ले सर। रिकॉर्ड एक ही होगा। अब मैं आपसे ये कहूँ कि आपको ऐसा करना है कि आपको इसमें ऐसा लॉजिक लिखना है कि एक लूप चले,
और लूप में पूछा जाए कि डू यू वांट टू इंसर्ट मोर, डू यू वांट टू इंसर्ट मोर एम्प्लॉय, म्यूट कर लीजिए, एक लूप चले जिस लूप में आपसे पूछा जाए कि डू यू वांट टू इंसर्ट मोर एम्प्लॉयज, डू यू वांट टू इंसर्ट मोर एम्प्लॉयज, ऐसा लूप चलता जाए, समझ रहे हो आप, ऐसा आपको करना है, तो ये कर सकते हो ना। अगर आप वाई प्रेस कर दो, अगर वाई प्रेस कर दो तो यस हो गया, एन प्रेस कर दो तो नो हो गया, एग्जिट हो जाए, ऐसा करना है आपको, कर लोगे? अरे एक वाइल लूप ही तो चलाना है, वाइल लूप में स्कैनर चलाना है और रीड करना है कि यूज़र ने क्या लिखा, वाई लिखा या यस लिखा या नो लिखा, अगर यस लिखा तो इसी को रिपीट करा देना है, अगर नो लिखा तो एग्जिट होके फेच करके आपको डेटा दिखा देना है, ये सेलेक्ट क्वेरी चला देना है, ये करना है, कर सकते हो? हाँ सर कर लेंगे, हाँ सर करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो कि आप बहुत सारा रिकॉर्ड इंसर्ट करा रहे हो, हजारों रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है ना, तो ध्यान से सुनना, ये जो क्वेरी है ये एक बार डेटाबेस में जब एग्जीक्यूट होती है, तो पता है डेटाबेस में जब कोई क्वेरी एग्जीक्यूट होती है और ये आपका जावा का प्रोग्राम है, तो जावा के प्रोग्राम से क्वेरी डेटाबेस में जाएगी, डेटाबेस में ट्रांसलेट होगी एंड देन एग्जीक्यूट होगी। फिर अगर दोबारा दूसरा रिकॉर्ड आप चलाओगे तो दूसरे रिकॉर्ड के लिए भी फिर से क्वेरी ट्रांसलेट होगी देन एग्जीक्यूट होगी, तीसरे के लिए भी मतलब एग्जीक्यूट होगी, ट्रांसलेट होगी देन एग्जीक्यूट होगी, चौथे के लिए भी ऐसे होगी, पांचवे के लिए, हज़ार बार अगर आप चलाओगे तो हज़ार बार ये क्वेरी डेटाबेस में इफेक्ट होगी, एग्जीक्यूट होगी। और ये प्रोग्राम मान लो नेटवर्क पे पड़ा है, मतलब हमारे सिस्टम में पड़ा है और डेटाबेस नेटवर्क पे पड़ा हुआ है, नेटवर्क मतलब यूएस में हमारा डेटाबेस है, तो इंडिया से क्वेरी यूएस जाएगी और यूएस मतलब वहाँ एग्जीक्यूट होगी, फिर क्वेरी जाएगी, फिर एग्जीक्यूट होगी, बार बार क्वेरी डेटाबेस में जाके कंपाइल होगी और एग्जीक्यूट होगी, ट्रांसलेट होगी जिसे हम बोलते हैं, कंपाइल होगी मतलब ट्रांसलेट होगी एंड देन एग्जीक्यूट होगी, देन फिर ट्रांसलेट, फिर एग्जीक्यूट। तो यार इस तरह से डेटाबेस में बार बार क्वेरी कंपाइल होना और एग्जीक्यूट होने में परफॉर्मेंस एप्लीकेशन की डिग्रेड हो जाएगी। दिस इज अनदर सेकेंड इशू ऑफ दिस प्रोग्राम, सेकेंड प्रॉब्लम ये प्रोग्राम का। बात समझ में आई? ये आपके प्रोग्राम का सेकंड मतलब इशू हो गया, क्लियर? तो इस दोनों प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जाए, दो प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम एसक्यूएल इंजेक्शन वाली, दूसरी प्रॉब्लम डेटाबेस में क्वेरी बार बार कंपाइल होगी, बार बार एग्जीक्यूट होगी, तीसरी प्रॉब्लम भी बता देता हूँ, तीसरी प्रॉब्लम ये कॉन्कैटिनेशन वाला, कि अगर मान लो यूज़र से इनपुट ले रहे हो तो सिंगल कोट डबल कोट, सिंगल कोट डबल कोट, प्लस प्लस, कॉन्कैटिनेट करना, ये कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इन तीनों कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कौन करता है? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। समझ रहे हो? आपने कहा सर इतना ज़्यादा बता रहे हो, पहले उसको समझा ही दो, इतने इतने प्रॉब्लम तो ठीक है समझ में आ रहा है, पहले उसे आप लिख दो कि वो कैसे हो रहा है ना, जानना चाहोगे? ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे आपने स्टेटमेंट लिखा था इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो क्वेरी आपने चलाई थी इसको कर दो कमेंट, ठीक है, और आप जहाँ पे आपने स्टेटमेंट लिखा था ना, जैसे जहाँ पे आपने क्रिएट स्टेटमेंट चलाया था ना, वहाँ पे ही कनेक्शन के ऊपर एक होता है प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड, प्रीपेयर स्टेटमेंट नाम का एक मेथड होता है, ठीक है, प्रीपेयर स्टेटमेंट मेथड को चलाइए, प्रीपेयर स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, इस मेथड को चलाने से आपको क्या रिटर्न होता है? प्रीपेयर्ड है ना, प्रीपेयर्ड, ये प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, समझना, यहाँ पे भी प्रिपेयर है और यहाँ पे भी प्रिपेयर्ड है, लेकिन यहाँ प्रिपेयर है और यहाँ प्रिपेयर्ड है, तो ये प्रिपेयर स्टेटमेंट इज अ मेथड एंड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इज अ इंटरफेस, प्रिपेयर और प्रिपेयर्ड,
प्रिपेयर्ड जो है इंटरफेस है और प्रिपेयर एक मेथड है कनेक्शन का, ठीक है। अच्छा अब ये लाइन यहाँ ना लिख के यहीं लिखूँगा यहीं पे, ठीक है। प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड क्या कहता है, कहता है कि जितने वैल्यू आपको इंसर्ट करना है आप यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी लिखिए। हमने कहा ठीक है लिख दूंगा भाई, हमने लिख दिया इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़। वो कहता है जितने वैल्यूज़ आपको इंसर्ट करना है उतने क्वेश्चन मार्क दे दो। इसे बोलते हैं पोजिशनल पैरामीटर। कितने क्वेश्चन कितने वैल्यू जाने हैं, पांच, तो पांच क्वेश्चन मार्क दे दो। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये प्रिपेयर स्टेटमेंट का जो कंस्ट्रक्टर है वो कंस्ट्रक्टर ये क्वेरी लेता है क्या, ये कोई भी कंस्ट्रक्टर ऐसे डिफाइन है क्या? ये कंस्ट्रक्टर नहीं है सॉरी, ये मेथड है, पहले ये समझ लो, ये मेथड है, ये कनेक्शन का मेथड है। आप देखो ना पी स्मॉल है यहाँ पी कैपिटल है, ये मेथड है कनेक्शन इंटरफेस का मेथड है प्रिपेयर स्टेटमेंट। अच्छा तो उसी उसी में हम लोग डायरेक्टली पास कर रहे हैं ये क्वेरी मेथड में, मेथड में डायरेक्ट क्वेरी पास कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ये पैरामीटर तो लेता फिर है ये हमसे। मेथड क्वेरी लेता होगा ना। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अच्छा सर ये पास करना ही पड़ेगा, पता है। अच्छा सर अच्छा सर, पहली चीज़ तो मैं आपको यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में डिफरेंस तो क्लियर है ना, प्रिपेयर स्टेटमेंट इज अ मेथड ऑफ कनेक्शन एंड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इज द इंटरफेस, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हमें कैसे मिलता है प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड कॉल करने के बाद, फिक्स है फैक्ट्री मेथड है। अच्छा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बारे में बात करें तो ऐसा हम बोल सकते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इज द चाइल्ड इंटरफेस ऑफ द स्टेटमेंट, है ना, इज द चाइल्ड इंटरफेस ऑफ द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट का चाइल्ड इंटरफेस है। चाइल्ड समझते हो ना, कलेक्शन में भी पढ़े थे हम लोग। हाँ जी, मतलब ये इंटरफेस कहीं ना कहीं स्टेटमेंट को इनहेरिट करता है, ठीक है। और अब जब एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट करेगा तो उसमें पेरेंट का फीचर तो आ ही जाएगा और साथ में चाइल्ड का अपना खुद का भी होगा। तो कहने का मतलब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से वो सारे काम कर सकते हो जो स्टेटमेंट में करते हो और साथ में कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो। एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो वो सुनना। कहते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जो होता है ये प्री कंपाइल्ड क्वेरी होती है। कैसी होती है, प्री कंपाइल्ड। प्री कंपाइल्ड का मतलब कंपाइल्ड वंस एग्जीक्यूट मेनी टाइम, एक बार कंपाइल करो और हजार बार चलाओ इसे। स्टेटमेंट में क्या था, मैंने आपको बताया था अगर आप यूजर से इनपुट लेके काम करोगे तो ये वाली लाइन मान लो आपने व्हाइल लूप में डाल दी और आपने 1000 इनपुट ले लिया तो 1000 बार डेटाबेस में क्वेरी बार बार जाएगी, बार बार कंपाइल होगी, बार बार एग्जीक्यूट होगी। तो क्वेरी डेटाबेस में बार बार कंपाइल और बार बार एग्जीक्यूट, इससे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करा गया, प्री कंपाइल्ड क्वेरी का कंसेप्ट लाया गया, जिसे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जिसे हम बोलते हैं। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या करता है, एक बार इसके अंदर ये क्वेरी लिख चल गई डेटाबेस में तो ये कंपाइल हो गई सक्सेसफुली। ये एक बार आपने पूछा ना किसके अंदर पैरामीटर जाता है, इसीलिए पैरामीटर जाता है कि ये एक बार पैरामीटर हमसे ले ले और इस क्वेरी को डेटाबेस में इफेक्ट कर दे, एग्जीक्यूट कर दे, और एग्जीक्यूट करने के बाद उसका पूरा रेफरेंस यहाँ पे आ गया पीएस के अंदर, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के अंदर। मतलब ऐसे समझ लो कि ये क्वेरी डेटाबेस में एक बार कंपाइल हो गई, ध्यान से मेरी बात समझना। एक्चुअली होता क्या है, डेटाबेस में जब क्वेरी चलती है ना तो पहले कंपाइल होती है देन एग्जीक्यूट होती है, कंपाइल होती है देन एग्जीक्यूट होती है। तो ये एक ही बार कंपाइल होगी, एक बार कंपाइल होके उसका रेफरेंस यहाँ पे आ गया, अब बार बार डेटाबेस में कंपाइल होने नहीं जाएगी ये, ठीक है। तो फिर आपने कहा फिर इसमें वैल्यू कैसे जाएंगे, तो ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है ना यहाँ पे, आप वैल्यूज आप रन टाइम पे सेट करा सकते हो। कैसे सेट कराओगे, तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यहाँ पे होता है
क्या मैसेटर मेथड। तो इसका एक मेथड होता है सेट। अब सेट कैसा वैल्यू कराना है आपको, इंटीजर, फ्लोटिंग, करेक्टर, डबल, बुलियन, जैसी वैल्यू, सेट, इंट, सेट, फ्लोट, सेट, करेक्टर, सेट, डबल, अलग अलग मेथड है। तो जैसे मान लो आपने लिख दिया इंटीजर वैल्यू, तो सेट इंट लिख दीजिए और यहाँ पे इंडेक्स बताइए, पोजीशन बताइए। जैसे मैंने लगा दिया वन, तो वन का मतलब ये हो गया ये पहले क्वेश्चन मार्क का वैल्यू। मैंने कहा वन पोजीशन पे क्या चला जाए, आईडी। आईडी कहाँ से आई है, ऊपर से। ये आईडी इस वन पोजीशन पे जाके यहाँ पे जाके इंजेक्ट हो गए। अभी ये क्वेरी डेटाबेस में नहीं गई है, अभी ये बफर में गई है, इस प्रिपेयर प्री कंपाइल्ड क्वेरी में गई है। ये काम मुझे सबके साथ करना पड़ेगा। पहली चीज कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट। ये दूसरा मैं लिख रहा, दूसरा क्वेश्चन मार्क, तीसरा क्वेश्चन मार्क, चौथा क्वेश्चन मार्क, पांचवा क्वेश्चन मार्क, ये उसके इंडेक्स हैं। दूसरे में क्या था, नेम। तीसरे में क्या था, डिपार्टमेंट। चौथे में क्या था, ADR। पांचवे में क्या था, सैलरी। लेकिन जो नेम है वो कैसा वैल्यू है, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा आपको, सेट स्ट्रिंग, नहीं तो एरर आ रहा है। देखो डिपार्टमेंट स्ट्रिंग, एड्रेस सैलरी देन एड्रेस, तो सेट फ्लोट करेंगे यहाँ पे, सैलरी सैलरी चौथा पोजीशन, सैलरी एंड देन एड्रेस पांचवा पोजीशन, सही तो था एड्रेस, लेकिन यहां पे होगा सेट स्ट्रिंग, एस ए एल, समझ रहे हो आप। तो भाई ये सारा डेटा, पहले बात ये, तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के बारे में क्या बोलोगे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इज अ चाइल्ड इंटरफेस, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इज अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ द स्टेटमेंट एंड द वन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इंटरफेस इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट द प्री कंपाइल्ड क्वेरी यूजिंग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट वेन एवर वी आर एग्जीक्यूटिंग द एनी क्वेरीज इन अ डेटाबेस इट इज कंपाइल्ड वंस एंड एग्जीक्यूट मेनी टाइम्स हाउ वी कैन गेट द रेफरेंस ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट by calling prepare statement method. So whenever we are calling the prepare statement method, we'll get the prepared statement object and how we can insert the values in the prepared statement using the positional parameter. This question mark is a positional parameter. How we can pass the values in a positional parameter via this setter method. And iske through to humne ye kaam kar liya. लेकिन अब ये डेटाबेस में जाके एग्जीक्यूट कैसे होगा, अभी डेटाबेस में रिकॉर्ड इफेक्ट नहीं हुआ है, अभी डेटाबेस में रिकॉर्ड इफेक्ट नहीं हुआ है, अभी तो ये सारा डेटा उठक के कहाँ चला गया, ये बफर में सेट हुआ है ना। अब जब आप यहाँ से प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के ऊपर कौन सा मेथड चलाओगे, एग्जीक्यूट अपडेट, क्योंकि ये तो चलाना ही पड़ेगा ना, तो फिर ये सारा डेटा आपके डेटाबेस में जाके इफेक्ट हो जाएगा और फिर आपको क्या मिल जाएगा, एग्जीक्यूट अपडेट चलने के बाद आपको मिल जाएगा एक इंटीजर वैल्यू, या इंटीजर लो लॉन्ग लो, क्योंकि लॉन्ग वैल्यू तो फर्दर इंट में भी होल्ड हो सकती है, और वो इंट अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रिकॉर्ड इफेक्टेड, नहीं तो नॉट इफेक्टेड। एडवांटेज, क्वेरी बार बार डेटाबेस में कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं होगी, कंपाइल वंस एग्जीक्यूट मेनी टाइम होगी, नो SQL इंजेक्शन, नो चांस ऑफ SQL इंजेक्शन, क्योंकि यहाँ कॉन्कैटिनेशन कुछ हो नहीं रहा है, सिंगल कोड डबल कोड लिखने से बच गए, कॉन्कैटिनेशन करने से बच गए। SQL इंजेक्शन को भी ये अवॉइड करता है, इसका इंटरनल मैकेनिज्म है कि इसके थ्रू SQL इंजेक्शन नहीं हो सकता। व्हाटएवर, देखो इतने सारे प्रॉब्लम, सॉरी एडवांटेजेस बताइए। है ना, अच्छा चला के दिखा दें, इसलिए आप लोग शांत हो, ये लीजिए चला लिया, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई डिपार्टमेंट, एम्प्लॉई एड्रेस, एम्प्लॉई सैलरी,
ये देखिए डेटाबेस में फेच करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है ये, तो सेलेक्ट करके देख लीजिए, सेलेक्ट करके देख लीजिए, सारा रिकॉर्ड आ गया। दैट्स इट, ये मुझे बताना था। बताइए है ना मज़ेदार चीज़। तो आपको आपको ये करना पड़ता है ना बार बार, इसीलिए मैंने ये तरीका आपको बता दिया, स्टेटमेंट और प्रीपेड स्टेटमेंट में डिफरेंस समझा दिया। बोलो भाई कहाँ चले गए, सब लोग चले गए क्या? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू कैसे हमने डेटा इंजेक्ट किया, कोई दिक्कत?